विजय राज। जिन लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में टिकना और कदम जमाने के लिए एक गॉडफादर की ज़रूरत है, बिना गॉडफादर के आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें विजय राज के बारे में ज़रूर जानना लेना चाहिए। विजय राज हिंदी सिनेमा का वह कीमती हीरा है जिसकी चमक वक्त के साथ और भी बढ़ती जा रही है। दो दशक से भी लंबे करियर में विजय राज ने कई ऐसे किरदार निभाए जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। लोग उन्हें आज भी फिल्म रन में निभाए कौवा बिरयानी के किरदार से याद करते हैं। हाल ही वह संजय लीला भंसाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में एक ट्रांसजेंडर के रोल में दिखे और सभी को चौंका दिया। कड़ी मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती और यह बात विजय राज ने साबित की। विजय राज की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें लगता है कि इंडस्ट्री में सब नेपोटिज्म का डागा बजाते हैं, उनकी आंखें विजय राज की कहानी से जरूर खुल जाएगी। विजय राज सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी दमदार आवाज़ के दम पर एडवर्टाइजिंग की दुनिया में छाए हुए हैं। विजय राज की एक्टिंग में इतने रंग है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। विजय राज आज जिस मुकाम पर है वह तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत दुख भरे दिन बिताए पर कभी हिम्मत नहीं हारी। फिल्म कंपटीशन के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बायोग्राफी में उन दिनों के बारे में बताया था जब वह और विजय राम रूममेट थे और हालत इतनी ख़राब थी कि पल्ले जी बिस्किट खाकर गुजारा करते थे। लेकिन विजय राज ने खुद कभी अपने स्ट्रगल या मुश्किल भरे दिनों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। नवाज ने बताया था कि उनके और विजय राज के दिन इतने खराब थे कि वह नाश्ते से लेकर लंच और डिनर भी सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और चाय ही लेते थे क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे कि खाने का जुगाड़ कर सके। फिर वह वक्त भी आया जब बिस्किट भी निपट गए। विजय राज पढ़ाई में अच्छे थे, उन्हें दिल्ली से स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की चूँकि एक्टिंग का चस्का था, कलाकार आदमी बनना था, इसलिए विजय राज कॉलेज में ही थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। वह छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लेने लगे। कॉलेज खत्म होते होते विजय राज के मन में एक्टर बनने का ख्वाब पूरा आ चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि वह कुछ भी करके एक्टर बनकर रहेंगे। एक्टर बनने का ख्वाब आंखों में लिए विजय राज मुंबई आ गए। मुंबई आने से पहले विजय राज ने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रिपोर्टरी कंपनी में काम किया था। इसी के दौरान नसीरुद्दीन शाह की पहली मुलाकात विजय राज से हुई। नसीरुद्दीन शाह ने ही विजय राज का नाम फिल्म भोपाल एक्सप्रेस के लिए सुझाया। 1999 की बात है, नसीरुद्दीन शाह उस वक्त भोपाल एक्सप्रेस में काम कर रहे थे। नसीरुद्दीन शाह की बदौलत विजय राज को इस फिल्म में काम मिल गया। इस तरह विजय राज ने 1999 में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 2000 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से करियर की कायापलट ही हो गई। उन्होंने मॉनसून वेडिंग कंपनी, पांच रोड, युवा, डेली बेली और स्त्री समेत दर्जनों फिल्मों की हर फिल्म में विजय राज के निभाए किरदार ने दर्शकों के दिलों में अलग ही जगह बनाई रखी है।